नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे पांच राज्यों में हुए चुनावों के परिणामों की। जी हां, पांच राज्यों में चुनाव के नतीजे जो आए उसके बाद में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और कांग्रेस और खास तौर पे गांधी परिवार के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनावों में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार है। हाल यह हो चुका है कि कांग्रेस के 97% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। जी हां, 2017 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए तो इस बार प्रियंका गांधी मैदान में उतरी, लेकिन नतीजा बिल्कुल पुराने जैसा ही रहा। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने तो इस बार पंजाब भी गवा दिया। पंजाब में भी सिद्धू और चन्नी की आपस की सिर्फ टक्कर ने हार की नींव डाली और एक बार फिर गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ देखता ही रहा। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 में कांग्रेस मुक्त कांग्रेस हो जाएगी या फिर कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन कर किसी गैर गांधी परिवार को मान ली जाएगी। और सबसे खास बात आपको यह भी बताते चले कि G23 की बैठक भी अब कल होने वाली है। हम आपको बताते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस के कितने प्रतिशत ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई है। दरअसल जो अभी तक परिणाम सामने आए उसको हम आपको बताते हैं। यूपी में जो चुनाव के नतीजे सामने आए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने चुनावी मैदान में 387 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन उसमें करीब 97% ऐसे प्रत्याशी रहे जिनकी जमानत तक जो है वो जब्त हो गई। अब अगर बात बहुजन समाजवादी पार्टी की करें यानी कि बीएसपी की, जिसका एक समय दबदबा उत्तर प्रदेश में रहा करता था, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक में स्थिति बहुत बदल चुकी है और अब तो हालात ऐसे हैं कि 390 उम्मीदवार जब बीएसपी ने अपने इस पूरे चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारा तो 72% ऐसे प्रत्याशी रहे जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, यानी कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई। और आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी और कितनों पर उसके उम्मीदवार जमानत भी अपनी बचा नहीं पाए। 399 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बड़ा चेहरा थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार किया और अब इनमें से 387 ऐसे प्रत्याशी रहे जिनकी सीट पर जो चुनावी मैदान में थे, जो कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां पर भी प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को महज 2.4% वोट मिला है। अब आपको इस पूरी स्थिति को लेकर आप समझ सकते हैं कि ना प्रियंका गांधी का जादू 2022 में चला और ना ही 2017 में राहुल गांधी का कोई जादू चलता हुआ नजर आया। मेरे साथ ही आदर्श इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक नफ्स को समझा, वहां के चुनावी मुद्दों को समझा, परिस्थिति को समझा। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि जो सबसे बड़ी पार्टी एक समय की थी देश की, अब वो सिर्फ 2.4% वोट ही पा पाएगी? देखिए, इसको बताने के लिए मुझे 2-3 चीज़ें और बतानी होगी, इसके पीछे की वजह क्या रही। अगर हम कांग्रेस के पूरे इतिहास को देखें या यूँ कहें कि पूरे यूपी के चुनाव को देखें तो सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस का यूपी में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने वाला है यूपी में। और इसी के साथ साथ नेतृत्व जो था आपस में बटा हुआ था। अजय कुमार लल्लू को पिछले कई सालों से जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, वो हटाने की मांग करते रहे हैं। किसी तेज तर्रार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मांग करते रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हुई। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से कांग्रेस का जनाधार, जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, वो खिसकता रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो रायबरेली, अमेठी के साथ साथ कुछ एक ऐसी सीटें थी जिस पर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती थी, लेकिन वो मिथक भी इस बार टूटा है। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में पिछले कई दशकों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की युवा चेहरे के नाम पर लोग उन्हें देखने सुनने तो आए, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई।
बिल्कुल, लेकिन आदर्श बहुत कोशिश की गई। 2017 में जो स्थिति थी, राहुल गांधी चुनावी मैदान में साफ तौर से नजर आ रहे थे, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, एक नए समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय ना राहुल मैजिक काम आया। और इस बार उम्मीदें प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा थी कि जो कुछ बचे कुछ इलाके हैं शायद प्रियंका वहां पर एक्टिवली नजर आए और शायद जो कुछ अपनी खोती हुई जमीन है उसे बचाएं। लेकिन ये समझिए कि ना खोती हुई जमीन बचा पाए बल्कि एक बड़ा प्रदेश भी अपने हाथ से खो बैठी कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं था जिसके दम पर ये कहा जाए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या फिर सत्ता के नज़दीक भी आती है, कुछ एक अच्छी संख्या में अगर विधायक भी जीत कर आती है तो वो व्यक्ति उसका नेतृत्व करेगा। सबसे बड़ा नुकसान इस बात का था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत कांग्रेस ने आधी आबादी यानी महिलाओं को टारगेट कर उनके लिए एक अलग से मुद्दे और घोषणाएं बनाई, वो फॉर्मूला भी फेल रहा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इतनी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट खत्म हो चुका है उस वजह से जनता का कनेक्ट उनके बीच में बन नहीं पाया। और उसके साथ साथ जो आंतरिक कलह थी वो भी सबसे बड़ा कारण बनी हार का। और अगर हम इसी पर देखें तो अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, कुशीनगर के तमकुही से वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, उनकी सीट पर भी बीजेपी समर्थित निषाद पार्टी जीत कर आई है। ऐसे में बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सीट पर चुनाव हार जाए वहां पर क्या हो सकता है। और वही कारण रहा प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी स्तर पर घोषणाएं और वादे किए गए। और यही वजह रही कि एक बहुत ना सिर्फ हार बल्कि कई ऐसे प्रत्याशी जो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए उन सीटों पर भी बात करें। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि कांग्रेस के जो कई शीर्ष नेता हैं नाराजगी उनकी लगातार देखने को मिल रही है, जिन्हें G23 कहा जाता है, कल उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। लेकिन अब इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने G23 और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि 2017 में राहुल गांधी ने यूपी में कांग्रेस का प्रचार किया था और तब यूपी में कांग्रेस को 6% वोट मिले और 7 सीटें आई थी। तब G23 के नेताओं ने कहा कि राहुल ने ठीक प्रदर्शन नहीं किया और प्रियंका गांधी से उन्हें उम्मीद थी। और अब 2022 में प्रियंका की अगुवाई में यूपी में कांग्रेस को 2% वोट मिले और सिर्फ 2 सीटें आई। क्या अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए? ये अनिल मालवीय जो कि बीजेपी के नेता हैं, हालांकि ये उनका तंज भी है, लगातार अपनी बातों के जरिए कांग्रेस को निशाने पर लेते रखे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार अब ये कहा जाए कि कांग्रेस आपसी ही खींचतान में आपसी रसाकशी में इतनी ज्यादा उलझ गई है, चाहे बात हम पंजाब की करें, उत्तर प्रदेश की करें या फिर अन्य राज्यों की भी, वहां पर भी ये कहीं ना कहीं अंतर कलह जो है वो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बनी। और केंद्रीय नेतृत्व ये कहा जाए कि जो एक कमान है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसके प्रति से भी एक तरह से नाराजगी जरूर कई शीर्ष नेताओं की देखने को मिली है। विशेष तौर से पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका, पार्टी के कमान को लेकर, पार्टी में अहम निर्णयों को लेकर भी कई बार नाराजगी देखी गई। G23 के जो तमाम दिग्गज हैं अब वो कल मुलाकात, कल एक बैठक करने वाले हैं और अब माना जा रहा है कि उस बैठक के बाद में कुछ अहम निर्णय निकले, उसी को लेकर अमित मालवीय ने निशाना भी साधा, तंज कसा। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जिन बातों का जिक्र अमित मालवीय ने अपनी ट्वीट में किया, दरअसल वो 2017 और 2022 की बदलती तस्वीर को लेकर थी। उत्तर प्रदेश में 7 सीटें 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मिली, लेकिन वो 2022 आते आते सिर्फ 2 तक सिमट कर रह गई। मेरे साथी आदर्श लगातार बने हुए हैं। आदर्श, जो शीर्ष नेतृत्व की बात है, यही समस्या लगातार पार्टी के ही कई दिग्गज नेता उठाते भी रहे हैं, विपक्ष भी इसके जरिए निशाना साधते रहे। जरा मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि इस बार 2022 और 2017 के कांग्रेस के लिए कितना चुनाव बदला था। देखिए 2017 में राहुल गांधी ने एक कोशिश की थी कि 2017 के चुनाव के साथ साथ ये जो आगे का चुनाव है 19 के चुनाव को भी साधने की कोशिश की थी, और उसी के तहत अगर आप देखें तो अखिलेश यादव के साथ साथ दूसरे दलों के साथ मिलने की भी कोशिश की गई थी।
अगर हम 2022 का चुनाव देखें तो 2022 का चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में था। कड़ी टक्कर, कड़ी लड़ाई माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधे हो रही है। उस लड़ाई में भी जगह नहीं बन पाई और उसका कारण ये भी था कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी कभी न कहीं सत्ता में रहती थी और वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाती थी, लेकिन इस बार जो मुकाबला रहा वो सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा। इसका तो बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक जो रहता था, मुस्लिम वोट बैंक हमेशा कांग्रेस को प्रेफर करता था, लेकिन इस बार दिक्कत ये हुई कि बीजेपी को हराने की वजह से मुस्लिमों ने एक तरफा वोट कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को किया और उस वजह से भी कांग्रेस की जो जमीन थी वो खिसक गई, क्योंकि एक तरफ माना जाता था कि कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक जो कोर वोट बैंक होते हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहते हैं और उसकी वजह से कांग्रेस को बढ़त मिलती है, एक बेस वोट बैंक उनका लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिमों ने भी लामबंदी करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इसी वजह से और यही वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा चोट करते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आदर्श।